हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। आज हम बात करेंगे आईटी गुवाहाटी में अगर आप मास्टर इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होगा। बट यहाँ पर मैं फ़ी स्ट्रक्चर बताने से पहले आप यहाँ का ब्यूटीफुल कैंपस देख सकते हैं कि आईटी गुवाहाटी का कैंपस कैसा दिखता है। आप यहाँ पर तीन व्यू देख पा सकते हैं। ये आईटी गुवाहाटी का कैंपस है, इसके पीछे एक रिवर है और उसके पीछे आपको माउंटेन दिखेंगे। इसीलिए इंडिया में सबसे जो बेस्ट कैंपस कहा जाता है एनवायरनमेंट के लिए, वो आईटी गुवाहाटी ही है। और अभी आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आईटी गुवाहाटी का जो कैंपस है वो कितना नेचर से कनेक्टेड है। तो फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं अभी हम। अब हम बात करेंगे अपनी फी स्ट्रक्चर की। तो ये आईटी गुवाहाटी का कैंपस है और यहाँ पर हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर की। तो देखिए, फी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली सेम ही रहता है, थोड़ा अप या डाउन हो जाता है, बाकी लगभग सेम ही रहने वाला है। तो ये फी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल फीस यहाँ पर 55,000 ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 52, मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ठीक है ना। एडवांस जिसे आप सीट लुकिंग फीस कहेंगे वो तो हर आईआईटी में सेम है, जिसे सीट बुकिंग फीस कहते हैं, 10,000, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5,000 पर सेमेस्टर, या ये पर सेमेस्टर नहीं होता, ये सीट बुकिंग सिर्फ आपको स्टार्टिंग में देनी होती है, बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं देनी होती है। उसके बाद आपको सिर्फ अपनी टोटल फीस देनी है। इसी के अंदर आपका 55,000 छः महीने के लिए है, इंस्टीट्यूट का खर्चा भी इसी में आ रखा है और आपका जो हॉस्टल वगैरह है वो भी चार्जेस इन्होंने इसी के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर अलग से होता तो वो ऑब्वियसली मेंशन करते, तो इन्होंने यहाँ फीस के बारे में बता रखा है कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। और ये देखो, ये सारा यहाँ पे बता दिया कि फीस कहाँ पे कितनी कितनी लगने वाली है, कौन सी फीस नॉन रिफंडेबल है और कौन सी फीस आपकी रिफंडेबल है, सेमेस्टर वाइज होटल का रेंट वगैरह बताकर सब कुछ मिलाकर उन्होंने पूरा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रखा है कि हॉस्टल का खर्चा कितना। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये 6 महीने का है, एवरी सेमेस्टर का। अगर मैं आपको बताऊं तो एवरी सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पर सही है, क्योंकि अगर आप देखो 55,000, ये नियरली 55,000 है, इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो पर मंथ का वही 10,000 के नियर अबाउट है। इतना तो नॉर्मली आप पीजी वगैरह लेंगे ना तो वहां पर ही पड़ जाता है। तो लगभग 10,000 पे आपको पर मंथ, जिसमें आपका खाना पीना खर्चा और जितना भी मेंटेनेंस वगैरह सारे चार्जेस है, 10,000 में। यानी आईटी गुवाहाटी का अगर मैं बाकी आईटी से भी कंपेयर करूं, एक तो इनका कैंपस इतना ब्यूटीफुल कैंपस है और दूसरी बात यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी सही है। और अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 52,000 डिवाइड बाय 6 मंथ इज इक्वल टू लगभग 9,000 के नियर अबाउट आपको पड़ने वाला है, 8,500 के नियर अबाउट पर मंथ आपको पड़ेगा। और जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा खर्चा इसी के अंदर इन्होंने निकाल दिया। ट्यूशन फीस आपका, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा, ये सारा इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, ये बता दिया है। वन टाइम डिपॉजिट एंड रिफंडेबल, जो ये सिक्योरिटी पैसे जरूर रखेंगे जो आपके रिफंडेबल हो जाते हैं बाद में, 12,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस यहाँ पर अलग से देनी होगी, ठीक है। मेंबरशिप वगैरह अगर आप बनना, इनके लिए मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ये अलग से खर्चा है 8,000। पर कुल मिलाकर इन्होंने बता दिया कि टोटल जो फीस रहने वाला है वो अपना 55,000 रहेगा, और आई थिंक सो दैट दिस इज सफिशियंट, ठीक है। ये इन्होंने किसके लिए बताया, फॉर द हॉस्टल रेगुलर स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल रेगुलर स्टूडेंट, जो हॉस्टल। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो एस सी एस टी वाले होते हैं ना, उनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं होती, यानी कि यहाँ पर जो आपको ट्यूशन फीस नजर आ रही है ना, ये 3,000, एस सी एस टी वालों के लिए ट्यूशन फीस नहीं होती, कुछ आई आई टीज में होती है, कुछ में नहीं होती है, ठीक है। तो ये फी स्ट्रक्चर है जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी गुवाहाटी का मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैंने आईटी गुवाहाटी के कैंपस की और भी वीडियोस बनाई है, इवन एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था, मेरा एक स्टूडेंट था आईटी गुवाहाटी में, कि वहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या कैसा है सब कुछ। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट, अगर हम बात करें आईटी गुवाहाटी आपकी ऊपर से टॉप 7 आईटीज में भी आती है, और यहाँ से आपको प्लेसमेंट के भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप वो सेशन देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वरना आई बटन पर आप देख सकते हैं उसे। उसके बाद मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट हमारा है कि अगर आप सी एस आई आर यू जी सी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट है कि आप सी एस आई आर नेट क्रैक करना चाहते हैं या आप गेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अन अकेडमी पर जाइए, मुझे मेरा नाम हेल करानी, आप मुझे फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद आपको मेरे वहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेंगे, कोर्सेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये है क्रैश कोर्स फॉर द बैच केमिकल साइंसेज के लिए, और ये देखो सी एस आई आर यू जी सी नेट के कंप्लीट डिटेल कोर्सेज मैं भी पढ़ा रही हूँ। डिटेल कोर्सेज का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप बेसिक से लेकर एडवांस सेक्शन तक विद क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर जाएँ और एक बार देखें कि हमारी, और बहुत सारी फ्री क्लासेज भी हैं,
यू कैन सी दैट कि मैंने एक सीरीज चलाई है, कंसेप्ट सीरीज पॉलीमर केमिस्ट्री, जिसमें हम कंसेप्ट सीरीज की बात करते हैं, बेसिकली कंसेप्ट बनाते हैं. तो सी एस आई आर नेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है. अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सी एस आई आर नेट ये गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मेक श्योर कि वो अलका कैम कोड यूज़ करके अपना सब्सक्रिप्शन ले, जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है. अगर आप अलका कैम कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. तो मेक श्योर कि आप ये कोड यूज़ करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर आपको नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. फिर भी कोई डाउट हुआ तो मुझसे ज़रूर बताइएगा. बाकी आप देख सकते हैं फिर से कि आईआईटी गुवाहाटी का कितना ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है और फीस स्ट्रक्चर भी इतनी ज़्यादा नहीं है. तो अगर आपको आईआईटी गुवाहाटी मिल रहा है तो मेरा पहला प्रेफरेंस आपको रहेगा आप आईआईटी गुवाहाटी को सीट लॉक कर देना. तो पहले सेमेस्टर की फीस मैंने आपको बता दी है, दूसरे सेमेस्टर की इससे थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि देखो ये जो सीट बुकिंग होती है तो हर जगह सेम ही रहती है. तो नियरली पहले आपको 10,000 रुपये पे करना है, फिर आपको 45,150 पे आउट करना है, ठीक है. और ये ज़रूर देख लेना, ये जो आपके पास जब ऑफर लेटर आएगा इतनी फीस तो आपकी रिफंडेबल हो जाती है, सिक्योरिटी फीस इसे कहते हैं, ठीक है. ये सिक्योरिटी फीस होती है 12,000, तो आपको जब आपकी डिग्री हो जाएगी वो आपको वापस मिल जाएगी, ओके. सो इसी तरह की सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, सभी आईआईटीज में कितना कितना बेसिक केमिस्ट्री का फीस है वो मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ. मैं मेरा टारगेट है सभी आईआईटीज को पहले कवर करेंगे, फिर मैं एनआईटीज के बारे में बताऊँगा कि वहां फीस का क्या स्ट्रक्चर है. और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें.